कोरबा जिले से आए दिन अजीबोगरीब सांपों की वीडियो सामने आती रहती है। बारिश के रुकते ही सांपों का निकलना थोड़ा कम हुआ है, पर बंद नहीं हुआ है। कोरबा जिले के निहारिका चौक गार्डन के पास 15 फीट लंबा धमका सांप पाइप में फंसा हुआ दिखा। कुछ बच्चों ने उसे निकालने का प्रयास किया, पर सांप को क्या पता था कि बच्चे उसकी मदद कर रहे हैं, और सांप ने गुस्से में काटने की कोशिश की। इससे डरे सहमे बच्चों ने इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सहगल को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जितेंद्र ने सांप को पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। तो ये है कि ऐसा नहीं कि सांप काटेगा नहीं, जैसे ये अभी सांप और शांत बैठा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं काटेगा नहीं। कारण क्या होता है, कोई भी सांप रहे खतरा महसूस होने पर हर सांप काटेगा। और ये अपना जो धामन है जिसको हिंदी पे दमना बोलते हैं, इंग्लिश पे रेड स्नेक बोलते हैं, ऐसा चूहे भी खाने के लिए आ जाते हैं। और ये चूहा रहा होगा, इसमें घुसा होगा, निकलने के लिए भगा, फंस गया होगा इसमें। थोड़ा देर पहले हम लोग आए तो देखे कि यह सांप को निकाल रहे थे, पाइप में फंसा हुआ था सांप और निकलने की कोशिश कर रहा था, बाकी निकल तो पा नहीं रहा था, पाइप में होल में फंस गया था। तो फिर अपने भैया को फ़ोन किया, उसके फिर भैया आए और निकाले उसको, नहीं तो फिर वो मर जाता, वो थोड़ी देर में ही फंस।